गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो यहाँ पे आज हम शाम को मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लेना था मार्केट में, तो वही लेने जा रहे हैं। इनकी छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो मार्केट में कुछ सामान लेके आते हैं। तो मुझे लानी थी, इनके बच्चों का भी कुछ सामान लाना था, बोतल वगैरह लानी थी, एक मयूर जग लाना था, तो ये बोले चलो मार्केट चलते हैं, तो वहीं से ले आए। इन्होंने छुट्टी करी थी तो इसी वजह से। तो शाम का टाइम हो रहा था, ऐसे हो रहे थे साढ़े पाँच हो रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, यीशु अपनी साइकिल से जा रहा है और हम लोग बाइक से जा रहे हैं। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं, तो मार्केट देख रहे थे। यहाँ कपड़ों की दुकान है, ठेली वगैरह लगी हैं यहाँ पे। यहाँ पे मंडी मार्केट लगता है, बहुत बड़ा मंडी मार्केट, यहाँ से वहाँ तक लगता है, बहुत बड़ा लगता है मतलब मंडी मार्केट। तो यहाँ से, और ये दुकानें हैं साड़ी की है, सूट की है, यहाँ दुकानें। तो ये किसी काम से गए हुए थे तो हमने वहाँ पे खड़ा कर गए, इसलिए मैं खड़ी थी। तो यहाँ पे आ गए हम, प्लास्टिक का सामान नहीं मिलता, मयूर जग बोतल वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग बोतल देख रहे थे, और कस्टमर खड़े थे वो सामान ले रहे थे। तो यहाँ पे बोतल वगैरह भी हम लोग देख रहे थे कैसे दे रहे हैं, बच्चों के स्कूल की प्रॉब्लम हो रही तो इसी वजह से। और यहाँ पे ये रही फ्रिज में लगाने वाली बोतल, तो ये देख रही थी मैं, तो सेट देख रही थी पूरे छः का। तो वही मैं सर कह रही कौन सी लूँ, तो हमने कलर चॉइस कर लो कौन सी दे, तो कलर ही देख रहा था इसी के, पिंक है, ऑरेंज है, ब्लैक है, कई कलर थे, पर इसी को पर्पल कलर ज़्यादा पसंद आया। ये पिंक कलर है, ये पसंद नहीं आया इसे, बोले ना ये लग दो। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर आ गए हैं, ये रहा मयूर जग लेके आ गए, उसी दुकान से लाए थे। तो ये बाइक पे बैठे हुए हैं, ये कह रहे मैं आइसक्रीम खाऊंगा, तो वही दुकान पे देख रहे। पर वहाँ आइसक्रीम की दुकान पे लाइट चली जाती है, तो थोड़े फिर आइसक्रीम नहीं मिलती। फिर हम यहाँ पे जूस पीने आ गए, तो पता है गर्मियाँ बहुत है और यीशु के तो प्रॉब्लम हो रही थी पेट में, तो मैंने कैसे ठंडा ठंडा जूस पिला दो, फ़ायदा करेगा। तो वही गन्ने का जूस पी रहे थे, ये खड़े थे और इसी और ये इसी से कह रहे कि ले लो बेटा जूस पी लो। तो बस वो कह रहा नहीं मैं आइसक्रीम खाऊँगा, तो मैंने कहा पहले जूस पी लो फिर आइसक्रीम खा लेना। तो बस बच्चों को बाहर ले जाओ घुमाने, उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे ये मतलब ले लिया जूस, गन्ने का जूस है। तो वैसे ही गर्मियाँ पड़ती प्यास लगती तो गन्ने का जूस पीने का मन करता है, तो बस हमने कहा पी लो, ठंडा नींबू पड़ा हुआ है तो अच्छा लगेगा। तो बस ये हम सब लोग पी रहे हैं, यहाँ पे मैं पी रही, ये खड़े हुए इसके पापा खड़े हैं, मैं हूँ, और अच्छा लगता है गर्मी। तो देखते रहे गाइस हमारा वीडियो। हम लोग घर आ गए थे, तो जैसे मैंने गेट खोला दीदी आ गई, तो हमने चलो, दीदी भी आ गई थी, बोली शाम के टाइम, तो बोली चलो, यीशु की तबीयत ख़राब थी सुन के आई थी कि यीशु को क्या हो गया, कैसे पेट में दर्द हो रहा, तो यही सुन के आई। यीशु भी कह रहा था बुआ आ जाओ मुझे देख जाओ, तो बस बुआ उसे देखने आ गई। कहते ना मुँह से ज़्यादा प्यार, भैया से ज़्यादा भतीजे प्यारे होते, तो वही हाल होता है। तो यहाँ पर हम मयूर जग ले के आए हैं, मयूर जग ये रखा है, इसमें हमने पानी धो धा के इसमें पानी भर दिया, तो वही लाला टेस्ट कर रहा है। और ये बोतल रखी है, तो ये बोतल लेके आई थी, ये कलर लेके आई थी, मैं दिखाना भूल गई थी, क्योंकि सब आ जाते हैं ना तो सब भूल जाओ, ध्यान नहीं रहता। तो ये कलर लेके आई थी, पर्पल कलर है इसका, बहुत प्यारा कलर लग रहा था। तो बस यहाँ पर उनके हमने कहा खाना पीना खा के जाना, बस खाने की तैयारी हो रही है। तो प्याज व्याज वगैरह काट लूँ सलाद के लिए, मैंने सारी तैयारी आज मैंने बनाए थे, दम आलू की सब्ज़ी और रोटी चावल रायता, और ये बस इतना ही बनाया था। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।